तो ये D12 है, ये द्वादश साम्स, ये जी माता और पिता के केस में देखा जाता है। चलो जी अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। जैसा जी इसमें सबसे पहले हम लग्न पे देखते हैं ना, लग्न पे क्या हो रहा है। जी तो लग्न पे आप देखिएगा, ये दो पाप ग्रह बैठे हैं इसमें, मंगल और केतु बैठे हैं। ठीक है, जी जी तो अभी जब भी द्वादश भावांश में ना एक एक है तो ठीक है, लेकिन अगर दो या तीन ऐसे पाप ग्रह साथ में बैठ जाते, तो मैंने हमेशा देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि माता पिता से जो इनका संबंध है ना, उसमें इनको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है संबंध बनाए रखने अच्छा के जी। लिए। और अगर कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा है तो एकदम ऐसा है कि ना ऑटोमेटिक चलता रहता है इनका, ज्यादा बोझ जैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर पाप ग्रह ज्यादा बैठ गए ना, इनको लगता है कि ये दोनों तो मतलब बचपन से ही लगता है कि मेरे माता पिता ऐसे क्यों है, इसके माता पिता वैसे हैं, ऐसे होंगे तो जी। कैसे। तो ये मैंने हमेशा ही देखा है। अब इस केस में क्या है, ये चंद्रमा भी यहाँ है, तो इस जी केस में ये आदमी थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकता है, और ये आदमी गया भी है इसके सिलसिले में, क्योंकि ये कहता है कि माता पिता से संबंध अच्छे नहीं है, और ये हमेशा ही खलता रहता था उसको कि क्यों अच्छे नहीं है, क्यों अच्छे नहीं है, क्यों अच्छे नहीं है। इसके बाद जो चतुर्थ भाव है ना, वो माँ को दर्शाता है। जी और चतुर्थ भाव में अगर कोई अग्नि तत्वों की कोई ग्रह बैठ गया ना, अग्नि तत्वों का ग्रह, जैसा सूर्य हो गया या मंगल हो गया, मंगल हो गया जी। तो ऐसा होगा कि आपके जो जैसे आपके माँ के जो भाई है, मामा, जी मामाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। अच्छा हाँ, और अगर जल 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 तत्वों के ग्रह बैठ गए, जैसा ये शुक्र हो गया या चंद्र हो गया, जी तो आपकी मौसी जो है ना, मौसी या मामी, वो जी लोग जी ज्यादा ज्यादा प्रभावित करेंगे आपके माँ को, ये अच्छा हमेशा देखा गया है। ओके और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि पांचवा और दसवां घर बहुत जरूरी हो जाता है इसमें देखने, अच्छा क्योंकि पांचवा घर चौथे घर का दूसरा है, मतलब आपके माँ का जो परिवार है ना, पहले शादी से पहले वो है। ठीक जी हाँ है, आपके पिता का ससुराल। और दसवां घर आपके पिता का घर हो गया, फैमिली जी जैसा हो गया, मतलब उनके आपके दादा दादी ऐसे लोग। जी तो अगर इन इन ग्रहों इन घरों में भी ना, जैसे कोई पाप ग्रह हो, जैसा आप हमेशा कभी कभार लोग बोलते हैं ना, मेरे मेरे चाचा अच्छे नहीं है, चाची अच्छी नहीं है, इन लोगों से तो झगड़ा ही चलता रहता जी है। तो उन केसेस में देखा है मैंने, जो दसवां घर जो होता है ना, वो उतना ठीक से नहीं होता है, अच्छा या दशमेश पीड़ित होता है, मैंने ऐसा देखा है। तो यहाँ पे भी आप ओके देखिए, दसवां घर का स्वामी जो वो मंगल हो गया, या आप केतु को भी ले, दोनों ही लगन में जी बैठे, तो जी 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 ये आदमी का हमेशा ही एक कंप्लेंट रहा है कि बचपन में ये चाचा चाची, ये लोग, ये फूफा, ये लोग बुआ, ये लोग आके मेरा पूरा घर को नरक बना देते थे, इतना झगड़ा करते थे बिना मतलब के, मेरे को समझ में नहीं आता जी था कि वो आते क्यों, तुम लोग मत दूर ही रहो। क्योंकि सही ये बात लगन में चला गया ना, तो इसके वजह से इनका जो माता पिता से संबंध है ना, वो भी बिगड़ गया, क्योंकि लगन में है ना। बिगड़ गया। जी। हाँ, ये भी बिगड़ गया। इसके बाद हम जैसे चतुर्थ भाव में अकेला हम देख सकते हैं, जैसा चतुर्थ भाव में देखिए शुक्र बैठा हुआ है अपनी स्वराशि में बैठा, जी तो मतलब इनकी जो मदर है, इनकी माँ है, इनको सजना ढजना बहुत पसंद है, मतलब अच्छा ये थोड़ा लेवल से ज्यादा होगा, आप समझ रहे। हाँ
हाँ, और इनके जो इनके 90वें घर में इनका जो गुरु बैठा है, तो इसका अर्थ ये है कि इनके जो पिता है इनको आध्यात्म में बहुत रुचि है इनके पिता को। जी हाँ, और इनके पिता को आध्यात्मिक चीजें पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट है ना। मंत्र जप ओके वगैरह सुबह करते हैं उठ के, तो ये फादर बहुत रेगुलेटेड इंसान है इनके। ओके और इसके अलावा ये जो बुध जो है ना, बुध बहुत जरूरी है स्कूल में, क्योंकि बुध आपके रिश्तेदार बताते हैं, अच्छा तो बुध का पोजीशन देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे हम ये पता कर सकते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को किस तरीके से देखते हैं। जैसे जब भी रिश्तेदार का बात आता है, और या तो रिश्तेदारों में से, जैसे रिश्तेदार तो बहुत सारे हो सकते हैं, जी लेकिन उनमें से कौन से लोग हैं जिनसे आपका तालमेल ज्यादा बढ़िया बनेगा। तो जैसे आप बुध यहाँ पे 11वें घर में, जी तो 11वां घर तो आपके दोस्त का हो गया, मतलब आपके दोस्त मतलब आपके चाचा के बेटे, जैसे आपके मम्मी की बेटी, उस टाइप का हो गया ना, वो लोग हो गए, तो उन लोगों से रुझान इसका ज्यादा है। हाँ, आप अगर अगर बुध अगर 9वें घर में बैठ गया ना, तो जैसे चाचा, बड़े पापा, मामा, उस टाइप के लोग होगा। बुध चौथे में बैठा तो मामी, मासी, बुआ, ये लोगों से ज्यादा ये होता है। और इसके बाद हम वो भी देख सकते हैं कि शादी वादी अगर इनका हुआ तो शादी के बाद कैसा हालत होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, सप्तमेश जो है वो सूर्य हो गया इस कुंडली, और सूर्य कहाँ चला गया, पंचम में चला गया है। और पंचम जैसा मैंने बताया था, चौथे का दूसरा है, तो मतलब आपके मामा या मौसी ये लोग हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति का जब शादी हुआ ना, इनके मौसी ने चूज किया था इनका वाइफ को। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से रिश्तेदार आपको मदद कर सकता है आपकी शादी के लिए। हाँ, और इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि वहां पे राहु बैठा है सातवें में, और तो राहु बैठा है तो मतलब शादी होने के बाद थोड़ा पेरेंट्स से रिलेशन थोड़ा और बिगड़ सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी पत्नी बोलेगा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं नहीं रह सकती इनके साथ, मुझे अकेले रहना है तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या झगड़ा हो सकता है। तो ये मतलब ऐसे तो होता ही है हर जगह, लेकिन ये थोड़ा लेवल से ज्यादा मैं बोल रहा ज्यादा लेवल का जी। हूँ। और ये राशि भी सिंह राशि है, किसी की बात नहीं सुनते ये लोग। एक तो सूर्य है जो बात नहीं सुनता है, दूसरा राहु है जो तो कभी नहीं सुनेगा। सूर्य सुन भी ले तो राहु कभी नहीं सुनता। सूर्य तो राजा है, राजा तो गुरु का बात सुनता है ना, जैसे राम राम हमेशा वो क्या वशिष्ठ मुनि का बात सुनते थे, वशिष्ठ लेकिन जी का रावण तो किसी का बात नहीं सुनता था, वो तो अपना ही मन का ही बात सुनता था बस। तो वैसा ही है, तो हम ये बता सकते हैं शादी के बाद थोड़ा और मन मुटाव बढ़ सकता है रिलेशन में, इनके पेरेंट्स के साथ इनका जो रिलेशन है। तो ऐसे हम ये कुंडली एनालाइज कर सकते हैं। और अष्टमेश जो आपके ससुराल वाले बताते हैं, ससुर आपके सास, आपके ससुर, वो लोग, तो वो आपके 11वें घर में चला गया है बुध, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उनसे बहुत बहुत बढ़िया रिलेशन रहेगा आपका। उस केस में अच्छा है। तो ये थोड़ा, ये उतना यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये कुंडली में चैलेंजेस ज्यादा है, तो मैंने सोचा है इसको एंड में रखता। तो इस पे कुछ कमेंट करना है आपको। हाँ नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। ये चार्ट काफी सही में कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, हाँ, ये और मदर फादर दोनों का ही पोजीशन भी स्ट्रांग है। दोनों ही अपने आप में, उनकी पर्सनालिटी भी काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी।
और वाइफ भी जैसा आप देख ही रहे हैं, राहु है तो वो तो उनके भी ऊपर स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगी। नहीं बहुत अच्छा, मेरा अब ये मेरे ख्याल से ये चार्ज तो खत्म हो गए। अभी मैं ये चाह रहा था कि एक बार वो चलित वाला छोटा सा एक आपसे व्यू ले लूं। हाँ। उसके बाद फिर इसको आज का दिन का समापन करेंगे। तो मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली चलित पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि दो चीजें आपसे भावजीत जानना चाहते हैं। पहला तो ये जो षोडश वर्ग या ये जो चार्ट्स आपने बताए, इसमें ये सब तो डिग्री के बेस पे होते हैं, जो प्लैनेट्स की डिग्रीज हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि अयनांश अलग अलग कई लोग मानते हैं, तो एनसी लाहिरी का अयनांश अलग है, रमन का अयनांश अलग है, तो आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है वो क्या कहता है, किसके अयनांश से ज्यादा सही रिजल्ट्स मिलते हैं? ये बड़ा ही मतलब वो क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, लेकिन ये इसलिए मैं थोड़ा आपका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है, लाहिरी का ज्यादा आपको सही लगा या रमन वाला जो है वो लगा, या केपी के भी अयनांश है जो कि काफी हद तक लाहिरी के पास ही है, तो क्या आपको लगता है कि कौन सा ज्यादा सही है? मेरे व्यक्तिगत अनुभव से रमन अयनांश मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो वो अच्छा। कितना सही है या कितना गलत है जी, इससे मैं नहीं बता सकता हूँ वो, लेकिन लहरी मैंने यूज किया है। जी, तो लहरी आइनाम्स के बेसिस पे मैंने देखा है। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, मैं उल्टा चलता हूँ, ऐसे नहीं जाता हूँ। अच्छा। मैं जब किसी का कुंडली विश्लेषण करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसको बोलता हूँ मुझे एटलीस्ट 10 डेट्स दो, तुम्हारे कुछ पिछले 20 सालों में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो प्रोमिनेंट डेट्स है वो दो। 5 अच्छे दे दो, 5 बुरे दे दो, नहीं है तो सब बुरे दे दो, बुरा नहीं हुआ तो सब अच्छे दे दो। फिर मैं देखता हूँ, और बट टाइम दे दिया उन्होंने, तो फिर मैं लहरी डाल के देखता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। जैसा एक कोई बोलता है कि मदर से बहुत खराब रिलेशन है, मदर से दिन रात झगड़ा होता रहता है, या शादी होने के बाद मदर से रिलेशन खराब हो गया, तो फिर मैं देखता हूँ वो वाले बट टाइम से जिस दिन या जिस जिस दशा, जो भी दशा चल रही थी बहुत खराब गई थी उसकी दशा, तो मैं देखता हूँ वो ग्रह उसके द्वादश अंश में कैसा बैठा है। अच्छा। अगर वो ग्रह ऐसा है कि उसके द्वादश अंश में को बहुत अच्छे स्थिति में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मदर से झगड़ा होगा, तो मुझे समझ में आ जाता है या तो बर्थ का जो टाइम है वो गड़बड़ है। कि कभी कभार आईना में गड़बड़ नहीं होता है, कभी कभार वो टाइम भी, क्योंकि टाइम भी गड़बड़ है। लोगों से जब आप पूछेंगे आपका बर्थ टाइम का एक्यूरेसी क्या है, वो बहुत एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता है, नहीं नहीं सर सही है एकदम 100%। तो मैं पूछता हूँ तुमको कैसे मालूम है सही है, तुम नोट कर रहे थे पैदा हुए थे? बोले नहीं नहीं हमारे दादाजी ने दिया था, हमारी दादी ने दिया, नाना ने दिया, नानी ने दिया, पिता ने दिया, माता ने दिया, वो ठीक है। मैं ये नहीं बोला वो लोग झूठ बोल रहे, लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है कि उनको जो डेट दिया है किसी ने वो भी सही है, क्योंकि वो अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कौन सा सही है गलत है। सही है, तो इसीलिए मैं दोनों देखता हूँ, जैसे मैं आईनाम से भी वेरीफाई करता हूँ और मैं बर्थ टाइम को भी रेक्टिफाई करता हूँ हमेशा, तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन भी करते हैं। जी जी हाँ, और रेक्टिफिकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि 2:30 से 3:30 हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 2:30 बजे से ना 2:30 से 2:39 हो गया, तो डिविजनल चार्ट्स, ये वर्ग चार्ट बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। हाँ, तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, इसका जवाब आपको तरीके से मिलेगा, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, आपको रेक्टिफाई करना। हाँ, रेक्टिफाई करिए या वेरीफाई करिए, दोनों में से एक। बिल्कुल ठीक है, तुम जो बोल रहे हो, तुमने जो जो डेट्स लिखे कि मान लो गुरु महादशा शनि अंतर दशा में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो दिख रहा है कि नहीं कुंडली में? सही बात। या एक जगह में तुम्हारा बोले बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ था, तो कोई ऐसा योग है कुंडली में, दशांशा में कुछ है जो दिखा रहा है? अगर तुम बोलते हो कि मेरा मंगल अंतर दशा में प्रमोशन हुआ था और तुम्हारा मंगल बोले
आठवें घर में बैठा है दशमशा में, वो तो डाउटफुल कैसे, फिर सही इसमें बात बहुत चेंज हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं, और बहुत 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 क्योंकि अच्छा आपने बताया। जी, वो अब ये मैं जी वो कहावत है कि कौन सा जूता अच्छा है, सातवा या दसवा, वो तुम्हारे पैर में जो फिट होगा वो बेस्ट है सबसे। तो बिल्कुल इसका आंसर ये है बिल्कुल कि बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सा फिट बैठता है, बैठता है। तो सही बात है, सही बात वो ले लीजिए। वो भले ही कोई दूसरा बोले मेरे लिए काम नहीं करता तो नहीं करता, तुम्हारे लिए करता है तो करेगा, ले लो। हमको बस जी जी हमसे जी मतलब जी है कि हमारे लिए क्या काम करता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ब्लाइंडली भरोसा मत करो किसी पे, हमेशा चेक करो, जी रेक्टिफाई करो, आइनाम्स को देखो, उसके बाद डिसाइड जी करो कि ये हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर बिल्कुल उस स्टेप पे बिल्कुल आपने गलती कर दी तो पूरा बर्बाद कर दिया, सब पूरा ऐसे ना पानी पानी फेर दिया आपने पूरा। हाँ क्योंकि आप अच्छा कोई भी सवाल आपसे पूछेगा, क्या वो शादी के बारे में पूछेगा, बच्चे के बारे में पूछेगा, नौकरी जी के बारे में पूछेगा, गाड़ी के बारे में पूछेगा, घर के बारे में, सबके सबका एक एक वर्ग कुंडली है। चार्ट है, जी, तो अगर अगर आपने टाइम गड़बड़ किया और एक या दो वर्ग कुंडलियां बदल गई, और मान लीजिए आपका लक खराब है, उसका सवाल उसी वर्ग से रिलेटेड है, तो फिर तो पिटेंगे आप फिर बाद में। सही बात हाँ तो रिस्क लेना ही नहीं, भले ही थोड़ा और टाइम लगे, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं, लेकिन बाद में फिर सोचिए ना, वो 3 महीना 6 महीना बाद आपको मेल करेगा कि सर आपके प्रेडिक्शन तो सब गलत हो गए, एक भी सही नहीं हुआ, और आप सोच रहे कि कैसे हो गया ये। फिर और आप दो दो तीन तीन चार चार घंटा दिमाग लगा, उससे अच्छा है कि जब आप वो व्यक्ति से मिले हो फर्स्ट टाइम उसी टाइम कर लो, सही है, सही है, उसी सही है, टाइम मतलब वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या 6 महीने बाद आके तुमको गाली देगा, उससे बेटर है तुम बिल्कुल अभी कर लो, 15 मिनट लगे एक्स्ट्रा, तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ। जी, नहीं बहुत सही, बहुत सही भाभी जी। अब जो चलित चक्र है, मतलब जो ऐसे केसेस, जो एक केस आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये मैं शेयर करता हूँ उसको। ये चार्ट आपको दिख रहा है ना भावजी जी? हाँ दिख रहा है, दिख रहा जी, ये चार्ट में देखिए आप, ये लग्न 28 डिग्रीज का है, ट्वेंटी एट डिग्रीज 28 मिनट, हाँ और ये सब ग्रहों की स्थिति है। अब जैसे ये गुरु और शुक्र दोनों की डिग्रीज काफी कम है, शायद शुक्र तो एकदम इंटर किया है, अभी 0-0 डिग्री का है, गुरु जो है 9 डिग्री का। जब चल, और इसके अलावा भी सारे ग्रह जो है, जैसे इनकी कुंडली पे ध्यान दें तो राहु 6th हाउस में है, शनि 5th हाउस में, चंद्रमा 4th हाउस में। अब जब हम इनका चलित चक्र देखते हैं, चलित चक्र आपको मैं दिखाता हूं, तो ग्रहों की स्थिति पूरी बदल जाती है। हाँ बदलेगा 100%। हाँ ये देखिए, अब इसमें चलित चक्र में गुरु शुक्र जो है, यहाँ पे आप देखिए 8th हाउस में आ गए, तो पूरा बदलेगा, राहु 6th हाउस से 5th हाउस में चला गया, बुध 8th से 7th में आ गया, शनि यहां से इधर शिफ्ट। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, क्या मार्गदर्शन? देखिए वो दोनों कुंडली का जो क्षण आप मतलब देना चाहते हैं, होता मतलब किस, ये जो गुरु और शुक्र है, ये नवम भाव में हम माने या अष्टम का फल माने? जी है, नहीं आपको आपको जी दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना है। एक होता है भाव चार्ट, एक होता है राशि चार्ट, ठीक है। तो भाव चार्ट ये बताता है कौन से भाव में रहे, और जी राशि चार्ट ये बताता है कि कौन से राशि में बैठा है, ठीक है। तो जब आप
उसके रिजल्ट जी का बात कर जी रहे हैं ना, जब आप उसके रिजल्ट का बात कर रहे हैं, इसको आप बंद कर दीजिए, नहीं तो ओके स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, नहीं तो ये लैग हो रहा है वो। हाँ, जी तो मैंने वो जो सूर्य नीच का था ना, वो वाले एग्जाम्पल में 10वें घर में गाड़ी का केस में मैंने बताया था। जी आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ है बाबूजी जी। हाँ हाँ, अभी ऑन है ना। हाँ जी हाँ, तो जी जो जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस होता है ना, वो भाव से आता है, हाउस राशि से नहीं आता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेरा मंगल ये घर में है, कि मेरा मंगल के दशा में क्या होगा, तो आपको भाव ही देखना है 100%, उसमें राशि नहीं देखना। बट अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो मेरा मंगल दशा में ये हो रहा है, तो मेरा लर्निंग कितना होगा, मैं कितना एंजॉय करूंगा उस चीज को, तो आपको राशि देखें। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल 11वें घर में है, ठीक है, 11वें घर में नहीं, 11वें राशि में है, लग्न से जो 11वां राशि, लेकिन उसका लग्न का डिग्री से कम में है, तो भले ही राशि वो है, लेकिन घर 11वां नहीं 10वें में है वो, समझ रहे। जी जैसे ये केस में दिखाया, सारे ग्रह 28 डिग्री जो लगन है उससे कम है, ठीक है, तो भाव के अनुसार वो उसके पहले वाले घर में बैठे, वो बिल्कुल रिजल्ट्स उस पहले घर का देंगे, वो उस घर का नहीं देंगे जिस राशि चार्ट में दिख रहे, क्योंकि आप मतलब ऐसे। जहाँ शिफ्ट होके हाँ, क्योंकि जो चलित में रिजल्ट जहाँ शिफ्ट होता है ना, होके चले हाँ, रिजल्ट वो जाते भाव से होता है, इसलिए तो हैं नाम है ना भाव चलित, राशि चलित नहीं है वो। मान लीजिए आपका जी। एसेंडेंट मान लीजिए 10 डिग्री में, कर्क राशि, कर्क लगन है आपका मान लीजिए, और आपका गुरु कर्क में है, ठीक है। अभी जब हम कुंडली देखेंगे फर्स्ट टाइम, हमको क्या लगेगा, ओ गुरु लगन में है, राइट। बिल्कुल लेकिन अगर उसका गुरु 0 डिग्री में या 1 डिग्री में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका जो लगन है ना, वो कर्क राशि से शुरू, कर्क के 0 डिग्री से शुरू नहीं हुआ है, कर्क राशि के 10 डिग्री से शुरू हुआ है। तो 0 से लेके 9 डिग्री तक बिल्कुल वो उसका लगन नहीं है, 12वां घर है वो। तो जहां अगर गुरु बैठा अगर गुरु 5 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का, 1 डिग्री का, तो वो कर्क में है लेकिन लगन में नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में वो फल देगा 12वें भाव में हंड्रेड बैठने का। परसेंट उसका कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फल भाव से आता है, आता था, आता है, आएगा। कुछ लोग इसको मिक्स कर देते हैं ना, खेल खिचड़ी करते हैं कुछ लोग, जिनको पता नहीं है कैसे दिखते, वो क्या करते हैं, अच्छा तुम्हारा ना जो तुम्हारा सप्तम में है, लेकिन भाव चार्ट में छठे में चला गया है, तो मिक्स रिजल्ट आएगा। पर क्या नॉनसेंस है ये, वो मिक्स रिजल्ट नहीं आएगा, छठे का रिजल्ट आएगा वो, क्योंकि डिग्री वाइज वो छठे का में बैठा है। है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल सप्तमेश नहीं, मान लीजिए कोई भी कोई रैंडम ग्रह ले लीजिए जिसकी दशा चल पड़ी आपकी, तो आपने राशि चार्ट खोला, मान लीजिए आपका मेष लगन है, तो आप मेष लगन है, 20 डिग्री का आपका मेष भरणी नक्षत्र से आपका लगन चालू हुआ है, ठीक है, 20 डिग्री, और आपका जो मंगल है वो बैठा है तुला राशि में, ठीक है, तो अभी आपको क्या दिखेगा, मंगल सप्तम में है, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो किसी ने पूछा आपसे कि वो मंगल में, ठीक है, मंगल तो मंगलिक हो गया, तो वो उसको साइड में रख देते, नहीं तो दूसरा कंफ्यूजन आ जाएगा। आप कोई दूसरा ग्रह ले लीजिए, आप गुरु को ले लीजिए, ठीक है, या गुरु को भी छोड़िए, वो भी 12वें घर का स्वामी, कोई को पंचमेश ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, तो सूर्य बैठा है आपके 7वें में, तो आपको कोई आके पूछेगा, सर मैं सूर्य का महादशा आने वाला है, शुक्र महादशा खत्म होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, तो मेरी शादी अब हो गया है, मेरा शादी हो गया, अभी कैसा जाएगा मेरा शादी,
तो आपने देखा, अच्छा सूर्य सूर्य वहां तुला राशि में नीच का है जो भी है, लेकिन सातवें घर में है, तो अरे सर बहुत बढ़िया जाएगा आपका शादी। फिर तो डिजास्टर हो जाएगा वो, मतलब बर्बाद हो जाएगा ऐसा बोलेंगे। अगर वो 20 डिग्री से कम है, मान लो 2 डिग्री में 3 डिग्री में, तो वो तुला में है, लेकिन तुला में होने का मतलब ये नहीं कि सातवें घर में। अगर 20 डिग्री तुला से कम में है तो वो छठे घर में है, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको बोलना पड़ सकता है कि शादी में समस्या आ सकती है। मतलब वो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली बोल दे, वो आपको देखना पड़ेगा आप कैसे बोले, बट मैं ये आप बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि इसको प्रॉब्लम होने वाला है। सही है। फिर क्या करते हैं ना लोग, मैंने देखा है, फिर 6 महीने बाद जब सूर्य का सूर्य अंतर निकल जाएगा ना, 4 महीने का होता है सूर्य सूर्य, फिर तो वो समझ जाएगा कि मेरा तो शादी टूटने वाला है, क्योंकि उसको फील हुआ होगा ना छठे घर का इफेक्ट। फिर फोन करेगा आपको, बोले अरे सर आपने तो बोला था मेरा शादी ठीक जाएगा, अभी तो मेरा पति पत्नी बोल रहा है नहीं रहेगा मेरे साथ, बोले चली जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा छोड़ के। तो आप क्या करेंगे, आप ना वो घुमाने का कोशिश करेंगे, आप देखेंगे अरे सातवें घर में कैसे तोड़ दिया, अच्छा अभी समझ में आया, नीच का है ना इसीलिए तोड़ा है। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं एक्चुअली सर आपका ना वो नवांश में आठवें घर में सूर्य है इसीलिए तोड़ा है उसने। फिर आप बोलोगे नहीं एक्चुअली सूर्य जो है ना वो पाप ग्रह है, वो क्रूर ग्रह है, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे आप। मतलब हालांकि उसका कारण वो पाप ग्रह है, नवांश वगैरह से कोई लेना देना नहीं, उसका कारण ये है कि वो छठे घर जो ब्रह्मचर्य का घर है, मतलब आप सिंगल हो, आप अकेले हो उस घर में बैठा है, तो वो दशा एक्टिव हो गई आपकी, जो आपको बोलना चाहिए वो एक्चुअल रीजन है। क्योंकि भाव चलित में वो छठे भाव में बैठा है, भले ही तुला राशि में हो, तुला राशि शुरू हो रहा है 20 डिग्री से, लेकिन नहीं आप तो बोलेंगे नीच का है। फिर वो काउंटर क्वेश्चन करेगा, सर नीच का है तो कोई मंत्र बताइए जिससे मैं उसको ना काइंड ऑफ उच्च का कर दूंगा। फिर आपने दे दिया कोई मंत्र वगैरह, लेट अस एज्यूम कोई मंत्र बोल दिया आपने, ठीक है कर लिया उसने, पूजा कर लिया उसने 1 लाख रुपए का, इसको दान दक्षिणा दे दिया, अंगूठी अंगूठी ले लिया उसने, फिर क्या होगा, फिर वो आने वाली 10 पीढ़ियों को बताता रहेगा कि ज्योतिष कितना यूजलेस है, फालतू है, ज्योतिषी कितने मतलब तो बदमाश है। और बोलना भी चाहिए उसको, क्योंकि आपने पूरा दुनिया घुमा दिया उसको, बोला तू बनारस जा, जल फेंक, गंगा हरिद्वार में जा स्नान कर, कुछ भी कर, लेकिन शादी तो टूट गया उसका। मतलब ये है आपकी, मतलब आपको जो कारण है वो पता नहीं उसको, क्योंकि जब आपको पता है ना कि वो छठे में है तो छठे का रिजल्ट देगा 100%, उसको नहीं बदल सकते आप। तो अगर वो आदमी को आइडिया लग गया है कि शादी ऐसे भी टूटने वाला है उसका, तो आप उसको बोल दीजिए कि सर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मुश्किल है चलना, तो वो एटलीस्ट कोसेगा तो अपने आप को या भगवान को या अपने भाग्य को कोसेगा ना, वो ज्योतिष को तो नहीं कोसेगा वो 1 साल बाद। मतलब सही बात सोचिए ना कितना गुस्सा आएगा उसको, उसने ना कितना 1 साल घूम पूरा इंडिया घुमा उसने ना, ये मंदिर गया वो मंदिर गया, बाद में फिर से बोले हो गया उसका डिवोर्स एंड, कैसा लगेगा उसको सोचिए। तो उसको लगेगा अगर यही होना था तो मैंने ये सब क्यों किया, तो पहले ही हो जाता, 1 साल बच जाता मेरी जिंदगी। ये देखा है मैंने लोगों को जो अच्छे ये बोलते हैं। बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है। और वैसे देखा जाए तो एक छोटी सी गलती है उस ज्योतिष की, लेकिन कितना बड़ा उसका इम्प्लीकेशन है। अगर उसने डिग्री पे ध्यान नहीं दिया, चलित कुंडली नहीं देखी, तो फिर तो रिजल्ट ही ठीक नहीं बैठेंगे।
इसलिए चलित कुंडली पे लोगों की बड़ी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्वेरीज रहती है, इसलिए मैंने ये प्रश्न भी आपके सामने रखा कि चलित कुंडली के विषय में भी आप बताइए। और जैसा आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि कुछ लोग इसमें घालमेल कर देते हैं कि दोनों का फल देगा। कई लोगों का ऐसा कहना है कि 70% इसका, मतलब परसेंट भी बताते हैं बहुत से लोग कि 60% इसका देगा, 40% उसका मतलब देगा, मैं बोलूं, लेकिन आपने बहुत ही स्पष्ट मेरी अगर शादी भी तो 60% अच्छी चलेगी, 40% अच्छी नहीं चलेगी। क्या मतलब नहीं चलेगी, मतलब क्या दिन में 18 घंटा मेरी बीवी झगड़ा करेगी, 6 घंटा नहीं करेगी, क्या मतलब है इसका मतलब? सही बात है, सही बात क्वांटिफाइबल चीज बोलो ना जो आदमी को समझ में आए। क्या है, 70% सही अच्छा, बात 30% अच्छा, तो सही मतलब बात क्या, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सब जगह ऐसे ही हो रहा है आजकल। इसीलिए नक्षत्र वाला जो सिस्टम है मामजीत, वो मुझे जाना ठीक लग रहा है कि एटलीस्ट उसमें बाउंड्रीज तो फिक्स है हर चीज की, और नक्षत्र के गुण ज्यादा क्लैरिटी से भी पता चलते हैं। नो डाउट पराशरी का अपना महत्व तो है ही, और ज्यादा सही उससे चीजें निकलती हैं। नक्षत्र में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर्टीज वगैरह बताने के लिए नक्षत्र का सहारा लेना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो भावजी जी, आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपने इतना समय दिया और हमारे चैनल को बहुत, हम लोग अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं, और वी वांट टू कंटिन्यू दिस एसोसिएशन इन फ्यूचर आल्सो। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, और बहुत ही एक इंट्रिकेट सब्जेक्ट आपने लिया जिसके बारे में टेक्स्ट भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बुक्स में भी ज्यादा नहीं मिलता है षोडश वर्ग चार्ट्स के बारे में। और सबसे बड़ी आज के एपिसोड की यही खासियत है कि इवन मेरी लाइब्रेरी में जैसे कम से कम काफी किताबें हैं, और काफी किताबें मैंने पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं। षोडश वर्ग के बारे में जितना अच्छा आपने बताया, मुझे तो किसी बुक में आज तक देखने को नहीं मिला। तो बहुत ही अच्छा आपने ज्ञान दिया, सभी को शेयर किया, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और आगे भी आएंगे, लेकिन समय आगे भी जब कुछ और अच्छे विषय मिलेंगे तो आप आइएगा और हम लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया तो बहुत अच्छा लगा आके बोल के, और ये टॉपिक पहले भी कहीं बोला और आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ज्योतिष के रास्ते पे, आध्यात्म इतना अचीव किया है, तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं कि आप अपने एंडेवर में, अपने प्रयास में और अच्छे से जाएं, आगे जाएं, और ईश्वर की अनुकंपा आपको और अच्छे से मिले, खूब अच्छा आप उन्नति करें। इसी अच्छी भावना के साथ मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, और अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इनवाइट किया आपने, बहुत अच्छा लगा आपको।